बेटा लड़की कैसी लगी हमारी आपको? लड़की तो बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए दहेज की बात कर लेते हैं। हेलो पिताजी, उस ससुर जी दहेज के लिए फोर्स कर रहे थे, पर मैंने साफ मना कर दिया कि हम और हमारे पिताजी दहेज के सख्त खिलाफ हैं ना। बिना दहेज रिश्ता पक्का करके आया ना शाले, जायदाद से बेदखल कर दूंगा। रख भोसड़ी के फोन। No. क्या बोला आपके पिताजी ने? बोला ना Oh, no. हम और हमारे पिताजी दहेज के सख्त खिलाफ हैं। चल झूठा। ओहो, क्या उच्च विचार है बेटा, धन्य है आपके माँ बाप जो ऐसी परवरिश दी है। अपनी मम्मी से भी पूछ लो, कुछ फर्नीचर, एसी, कूलर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन चाहिए हो तो। मम्मी भी मेरी सख्त खिलाफ है दहेज की। चल झूठा। अगर गांव मोहल्ले में कहीं पता चल जाता है किसी ने दहेज लिया है, वो तो 100 बातें सुनाती है। चलिए फिर भी बात कर लेता हूँ। Oh, no. हेलो मम्मी, वो ससुर जी बोल रहे थे फर्नीचर, एसी, कूलर ये सब देने को। मैंने तो साफ मना कर दिया, हमारी माताजी दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हराम खोर, तेरी अम्मा की छाती में पानी ठंडा करूंगी क्या? बिना एसी कूलर फर्नीचर के घर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। रख फोन। क्या बोला मम्मी ने? सख्त खिलाफ है माँ मेरी। माँ बोली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब चीजें। उच्च विचार, कहाँ मिलते हैं ऐसे खानदान। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं और शादी फाइनल करते हैं। अब क्यों करूं, बिना दहेज बिना फर्नीचर गया गौर देंगे मेरे को। बेटा कुछ टिकड़म लगा। वो ससुर जी, आपकी बेटी जमीन में तो लेट लेती होगी ना, वो क्या है ना, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है फिर बेटा, मैं एक डबल बेड कर देता हूँ। किंग साइज दीवान, वो करिए सही होता है। ठीक है बेटा। अरे ससुर जी, वो आपकी बेटी फैन के नीचे तो रह लेती होगी ना, वो क्या है ना, हम नेचर पसंद इंसान हैं। एक कूलर कर देता हूँ, फिर भी आप एसी करना, 5 स्टार वाला बिल कम आता है। ठीक है बेटा, एसी ही करवा देता हूँ। ससुर जी, अब क्या है बेटा? आपकी बेटी ऑटो रिक्शा में तो कंफर्टेबल है ना, मार्केट वार्केट जाने के लिए। ओ ठीक है, एक 4-व्हीलर कर देता हूँ। 4x4 फॉर्च्यूनर करिएगा, वो क्या है ना, हर जगह ले जाने में आसानी होती है। ठीक है बेटा। वो हम और हमारी फैमिली दहेज के सख्त खिलाफ हैं। चलता हूँ ससुर जी।